एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं रात के खाने की कर रही थी तैयारी, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, बना रही हूँ कुछ नया, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। मैंने सोचा शायद आप लोगों ने बनाया हो, शायद नहीं बनाया हो। ये न्यूट्री ली है मैंने, क्योंकि अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। दोपहर को हमने कल की जो दाल थी उसके साथ राइस खाए थे, इनको मैं बॉयल करूँगी। और आज मैं क्या बनाऊंगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को आपसे बातें करते करते। और यहाँ पर ये न्यूट्रीज को उबलने के लिए रख देती हूँ। इसको ना मैंने मैं उबालूंगी और एक साइड जो है मैं इसका मसाला तैयार करूँगी। जब भी कुछ नहीं होता तो मैं यही बनाती हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है, क्विकली, और बहुत टेस्टी, बच्चे भी खा लेते हैं। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हैं जो लोग, और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो आप इसे, ये क्रीम चिकन हो गया उसी की तरह बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी पता नहीं, ट्राई ज़रूर करना अगर किसी ने जो है नहीं कभी बनाया है। और अभी बहुत टाइम हो गया, 8 बजने को आ गया, और मैंने ना खाने की कोई भी तैयारी नहीं की थी। कपड़े तो उनको मैं फोल्ड करके रख रही थी, और आज मैंने बहुत अच्छे से रेडी होकर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं इतना रेडी होकर कभी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और आप लोगों की फेवरेट जो है ये ब्लू वाला ड्रेस पहना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है ब्लू लेगिंग वाला, ये मेरा सूट, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और आप लोगों से बात करते मैं ब्लॉग भी बना लूँगी। तो एक साइड मैंने न्यूट्री उबलने के लिए रख दी है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखिए न्यूट्री, और एक साइड ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब इसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ फटाफट से, और प्याज कट करने हैं, टमाटर ऐड करने हैं, और जो नॉर्मल से मसाला डालते हैं उनको डालने वाली हूँ। इसको जब भी कुछ मुझे नहीं समझ में आता मैं यही बनाती हूँ। और पीछे मैंने बर्तन वगैरह अभी धोकर रखे हैं, और अभी कुछ पड़े हुए हैं धोने वाले, बच्चों को लगी हुई है भूख, और खाना ना लेट हो रहा है आजकल पता नहीं क्यों, तो मैंने सोचा फटाफट पहले मैं खाना खिला दूँ। और क्योंकि रात को भी मैं किचन क्लीन करती हूँ, दिन में 2-3 बार हो जाता है मेरा किचन क्लीन, क्योंकि मेरा काम जो है डबल ट्रिपल है। मुझे एक बारी जो है सुबह क्लीन करना पड़ता है, एक बारी शाम को, दोपहर को, और ब्लॉग भी शूट करना होता है, और बच्चों को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, तो काम बहुत सारे हो जाते हैं बस। और फटाफट से जो है मैं प्याज कट कर रही हूँ, मेरी एक साइड जो उबल जाए फटाफट से। मैंने इसमें जीरा डाला है, और उसके बाद प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर ये, और इसके अंदर अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी मैं इसके अंदर, धनिया पाउडर भी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अब, और फिर इसको मिला लेती हूँ। और ये चिकन मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि हम जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, मैंने बोला है वो इसे ज़रूर ट्राई करें, हम तो नॉन वेज खाते हैं लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है चिकन की तरह, तो इसमें मैंने चिकन मसाला ऐड कर दिया है। बाकी मैं रख देती हूँ ढक के, सारा नहीं ऐड कर रही। और चिकन मसाला मैंने ना थोड़ा सा और डाल देती हूँ, और अब थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर ली बस। और मैंने ना ये टमाटर एक काट के रखा हुआ, ये भी इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर मेन इंग्रीडियंट मैं डालने वाली हूँ, और ये मैंने ना न्यूट्री सोयाबीन की बड़ी से उबाल कर और अच्छे से सोख लिया है, ड्राई कर लिया एकदम। अब इसके अंदर मैं डालूँगी क्रीम,
अमूल की कूल क्रीम है ये डालूंगी, और ये बिल्कुल क्रीम चिकन की तरह टेस्ट देता है। थोड़ा क्रीम ऐड कर लीजिए, अगर क्रीम नहीं है मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई में भी ये बहुत यमी बनती है, मलाई भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है मलाई वगैरह डाल करके, और बहुत जल्दी बन जाती है, कुछ बनाने के लिए नहीं है तो आप इसे डालिए। ये देखिए ये हो गया, इसके अंदर ये डाल रही हूँ मैं, और मैं इसे मिला दूँगी अच्छे से। बस मेरी आ गई है रोटी बनानी, और रोटी बनाऊंगी बस अभी मैं। मैंने ना इसमें जितनी भी और बची थी सारी क्रीम डाल दी है इसके अंदर, और अब इसके अंदर ये सूख जाएगी ना, इसके अंदर पूरी जो इसके अंदर कोटिंग हो जाएगी इसकी, अच्छे तरीके से सूख जाएगी, बहुत टेस्टी बनेगी। और अब मुझे रोटी बनानी है, मैं वो बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, और ब्लॉग का देखती हूँ, एंड करती हूँ मैं। और अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बताना मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो बस ये सूख जाएगी, इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खाइए, बिल्कुल चिकन वाला टेस्ट आने वाला है। ये मैं बिल्कुल सुखा दूँगी, ये जितनी भी इसके अंदर क्रीम है वो सूख जाएगी, फिर बहुत टेस्टी लगेगी। तो रोटी बना लेती हूँ मैं।